ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कोच डेविड सेकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब वनडे वर्ल्ड कप और एशेज सीरीज होने में कुछ ही महीने बचे हैं। सेकर की माने तो उन्होंने टीम की बेहतरी के लिए इस्तीफा दिया है। सेकर 2015 में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड के गेंदबाजी कोच के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। 3 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़े थे सेकर। सेकर ने टीम के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद पद छोड़ने का फैसला किया। वे जुलाई 2016 में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़े थे। लेंगर ने कहा, मेरे और डेविड के बीच पिछले 9 महीने से टीम में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा चल रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि टीम के सर्वोत्तम हितों के लिए एक अलग दिशा में जाने का यह सही समय है। उन्होंने कहा, मैं डेविड को उनके अहम योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप से उस भूमिका के लिए जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को एक मुख्य समूह के तौर पर तैयार करने में मदद की है। मिशेल स्टॉर्क, जोश हेज लवुड और पैट कमिंस जैसे तेज गेंदबाज तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले सेकर ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ बिताए समय का आनंद लिया। उन्होंने कहा, पिछले 3 सत्रों से ऑस्ट्रेलिया की पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की मदद करने का मौका देने के लिए मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने टीम के साथ अपने समय का आनंद लिया, विशेष रूप से तेज गेंदबाजों के एक अच्छे ग्रुप के साथ काम करने के लिए। समय के साथ एक नई कोचिंग भूमिका के लिए तत्पर रहूंगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA ने बताया कि ट्रॉय कोले भारत और पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की होने वाली वनडे सीरीज के लिए गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे।